मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर बारिश का, गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे पकोड़े अगर चाय के साथ खाने को मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। सो इस जमा जम बारिश का मज़ा लेने के लिए मैंने बनाए हैं क्रिस्पी कुरकुरे पालक के पकोड़े। पालक और प्याज के गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े घर पे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ घर के कुछ इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन मज़ेदार पकोड़ों को बनाना। सो पालक के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर रख लेंगे और इसके स्टेम पार्ट को यानी कि इस डंठल पार्ट को काट लेंगे, क्योंकि पालक के पत्तों के हम पकोड़े बनाएंगे। पालक को साफ करके मैंने रख लिया था, तो अब इसे छोटे छोटे रफली साइज़ में हमने इसे कट कर लिया है। इस कटी हुई पालक को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें लच्छेदार लंबे साइज़ में पतले साइज़ में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे और एक बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे, बेसन बाइंड करने के लिए और चावल का आटा क्रिस्पी और कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए। पकौड़े बनाने के लिए बेसन तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसके अंदर हम चावल का आटा डालते हैं तो इससे पकौड़े एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक डाला है, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इन सभी मसालों को डालकर प्याज और पालक को अच्छे से हम बेसन और चावल के आटे के साथ मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। हल्दी पाउडर डालना भूल गए थे, तो मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को, आटों को अच्छे से हमने इस पर कोट कर लिया है। अपने हाथ से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक से दो छोटे चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि पालक और प्याज के अंदर भी नमी होती है, पानी होता है, तो सिर्फ एक से दो छोटे चम्मच हमें इसमें पानी डालना है और अपने हाथ से ही इसकी कंसिस्टेंसी हम सेट करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए बैटर एकदम गाढ़ा होना चाहिए, पतला बैटर होगा तो पकौड़ा तो बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम इसे अपने हाथ से अच्छे से सेट करेंगे, ताकि इसमें सभी मसाले और प्याज और पालक आटा ये सब एक दूसरे के अंदर अच्छे से समा जाएं और एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर बन जाए। सो इस बैटर में मैंने सिर्फ दो छोटे चम्मच पानी डाला है और ये एकदम सेट हो गया है। इसमें पानी की और ज़रूरत नहीं लग रही है। थोड़ा सा बैटर लेके अपने हाथ से इसका पकौड़ा बना करके देख लेते हैं। अगर ये पकौड़े की शेप बन रहा है तो इट मीन्स ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बन चुका है। सो ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बॉल बन गया है पकोड़े के लिए। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हैं, राउंड शेप, नहीं तो हम इसे चम्मच से रैंडमली पकोड़े बना सकते हैं। गोल गोल शेप में इन पकोड़ों को मैंने बना करके रख दिया है। अब एक बड़ी कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। धीमे करेंगे तो पकोड़ों के अंदर तक पूरा तेल चला जाएगा, और तेज आंच पे करेंगे तो पकोड़े पूरे जल जाएंगे। तो मीडियम आंच पर एकदम सही अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे बाहर से, और अंदर से भी पूरे पक जाएंगे। एक एक करके मैंने सभी पकोड़ों को अंदर डाल दिया है, दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी एंड क्रंची कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। सो पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन कलर के भी हो चुके हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकालकर रख लेंगे और इसका एक्सेस ऑयल निकाल देंगे। सो ये देखिए, फॉक से आप चेक कर सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से भी चेक कर लेते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट है और अच्छे से पक चुके हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं पालक प्याज के पकौड़ों को। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पालक के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ मज़ा ही आ जाता है। पालक के गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ इंजॉय करें। पालक के क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़ों की ये रेसिपी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बारिश का मज़ा ले सकें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।